अब हम चर्चा करते हैं कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए किस प्रकार टेस्ट किया जाता है, क्या ब्लड टेस्ट किया जाता है या और कोई टेस्ट है जिससे कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा सकती है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट होता है, ये है स्वैब स्टिक और यह है सिंपल, क्योंकि कोरोना वायरस जो है नाक के अंदर और गले के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, अतः कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता। केवल कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए नेजल स्वैब, यानी कि देखिए एक स्वैब स्टिक है जैसे आप ईयरबड्स यूज करते हैं, इसी प्रकार की स्वैब स्टिक डॉक्टर्स के पास होती है और वो एक स्वैब स्टिक को मरीज की नाक में इस तरह से लगाते हैं। ये देखिए, और इसके ऊपर नाक के जो सिक्रीशंस होते हैं वो लग जाते हैं। अब इस स्वैब स्टिक को इस ट्यूब के अंदर रख करके लेबोरेटरी में सील करके भेज दिया जाता है। लेबोरेटरी में जाने तक ये ट्यूब जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होनी चाहिए और लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसी प्रकार से दूसरी नाक से सैंपल लेने के लिए नाक के अंदर दूसरी स्टिक को घुमाया जाता है और जो नेजल सिक्रीशंस इस प्रकार से इसके ऊपर आ जाते हैं उनको जो है अलग ट्यूब में रख करके जो है लेबोरेटरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से मरीज के गले से भी सैंपल लिया जाता है थ्रोट स्वैब का और इसको भी लेबोरेटरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और लेबोरेटरी में इन स्वैब्स की वायरल जांच होती है जिस टेस्ट को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या रियल टाइम आरएनए पीसीआर। ये टेस्ट जो है करने में थोड़ा समय लगता है और इसकी रिपोर्ट अगले दिन तक उपलब्ध हो पाती। कभी कभी जो है अगर नाक के अंदर प्रॉपर सिक्रीशंस ना हो तो डॉक्टर लोग जो है नाक के अंदर थोड़ा सलाइन डाल करके और नाक की जो सिक्रीशंस हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग बीमार ज़्यादा हैं उन लोगों के अंदर जो है गले के अंदर नली डाल करके एंडोस्कोप के द्वारा सलाइन डाल करके नॉर्मल सलाइन वाटर डाल करके और काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन करके वहाँ से एस्पिरेट लिया जाता है, लेकिन ये केवल सीरियस मरीजों के लिए या जिन लोगों को नमूनिया है और जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन लोगों के लिए किया जाता है। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं या जिन लोगों को ये शक है कि उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं है या जिनको मामूली खांसी बुखार है या जो लोग कोरोना वायरस के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों के लिए नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया काफी। क्या कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कोई ब्लड टेस्ट डेवलप हुआ है? जी हाँ। क्या कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कोई ब्लड टेस्ट उपलब्ध है? जी हाँ, इस प्रकार का एक टेस्ट मार्केट में आने की संभावना है और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने भी इस प्रकार का टेस्ट डेवलप किया है। दोनों टेस्टों में क्या फर्क है और नेजल स्वैब वाला टेस्ट बेहतर है या ब्लड टेस्ट बेहतर है, जानने के लिए देखिए हमारा दूसरा वीडियो जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दे रहे। प्लीज लाइक अवर वीडियोज, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।